पुष्पा मूवी के सभी बिहाइंड द सीन एंड फैक्ट्स आप इस वीडियो में जानोगे। तो दोस्तों, फिल्म का सक्सेस तो सभी देखते हैं, लेकिन इसके पीछे का जो मेहनत है ना, उसे कोई नहीं देखता। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपको इस मूवी के कुछ फैक्ट्स के बारे में आपको जान लेनी चाहिए। तो सबसे पहला जो फैक्ट्स है वो अल्लू अर्जुन के वॉइस से है, यानी पुष्पा मूवी को हिंदी में जिसने आवाज दिया है वो श्रेयस तलपड़े है। उनके इस काम को काफी तारीफें मिली है। एंड हिंदी में अल्लू अर्जुन की जो रियल वॉइस भी है ना, वो श्रेयस तलपड़े से काफी मिलती है। पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं। वो अंटावा सॉन्ग का जो ये बिहाइंड द सीन आप देख रहे हैं, इसे समंथा रूथ ने काफ़ी अच्छे तरीके से किया। एंड जो इसका हार्ड वर्क है वो सबसे पहले यहाँ आप देख रहे हैं। एंड इन्होंने मेहनत करी है तो इसका फल भी तो इन्हें मिला है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उसे एक गाने के लिए, यानी पुष्पा मूवी का जो आइटम सॉन्ग है, उस एक गाने के लिए इन्हें 1.5 करोड़ रुपए मिले थे। तो हार्ड वर्क तो बनता है ना। अगर आपने पुष्पा देखी है तो आपको यह सीन काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी, लेकिन एक्चुअल में यह काफी खतरनाक है। तो जब आप यहाँ पे देखे होंगे कि जब अल्लू अर्जुन अपने साथी के साथ लाल चंदन की लकड़ी को की जो ट्रक थी उसे लेकर भागता है, एंड रास्ते में जब पुलिस उसे रोकने की कोशिश करता है तो वे और उसके साथी ट्रक को जंप करा लेते हैं बैरिकेड से। तो यह उसी समय का सीन है। एक्चुअल में यह सीन स्टंट मैन यानी डबल बॉडी द्वारा किया गया था। एंड आप देख रहे हो कि उन्होंने हेलमेट पहन रखी थी एंड उन्हें किसी भी प्रकार का चोट वोट कुछ भी नहीं लगा। एंड ये जो सीन था शूट किया गया, ये काफ़ी सक्सेसफुली हुआ था। तो अब बढ़ते हैं फिल्म के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो सुकुमार हैं, एंड यह फिल्म जो है 17 दिसंबर 2020 को हिंदी समेत अन्य 4 भाषाओं में रिलीज हुई थी। फिल्म शूटिंग का ज़्यादातर लोकेशन कर्नाटक और हैदराबाद के इलाकों में हुई थी। यहीं के लोकल एरिया में जितने भी सीन आपने देखे थे वो सारे शूट किए गए थे यहीं पर। फाइटिंग एंड झील का भी सीन यहीं पर फिल्माया गया था। मूवी में किसी भी प्रकार के पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाया गया था। आपने जितने भी लाल चंदन के पेड़ की कटाई और लकड़ियां देखे थे वे सभी फोम के बने हुए थे। उन लकड़ियों को रियलिस्टिक दिखाने के लिए उन पर कलर किया गया था। श्रीवल्ली गाने को इसी लेक पर फिल्माया गया था। एंड जो आप अभी सुकुमार को खाट कसते हुए देख रहे हैं, एक्चुअली यह रश्मिका मंदाना को डायरेक्शन दे रहे हैं, जिसे आपने सॉन्ग में भी देखा था श्रीवल्ली गाने में। एंड यहीं पर इस झील में अल्लू अर्जुन बाल्टी से नहाते दिखे थे। यह सीन मंगलम श्रीनु के सेफ हाउस का है। यहीं पर मंगलम श्रीनु के सेफ हाउस को बनाया गया था। यही वो जगह है जहां पर उन्होंने अपने जो चंदन के लकड़ी थे वो इसे जगह पे छुपा के रखा था। एंड जब पुलिस इसे खोजते हुए यहां पर आ जाती है तो बाद में उसे पुष्पाराज नदी के रास्ते बहा देता है। चंदन की लकड़ी को वाटरफॉल के थ्रू नदी में गिराने का जो सीन था आपने देखा था, वो केरल के एक मशहूर वाटरफॉल में फिल्माया गया था। एंड आपने इसी सीन में देखा होगा कि जितने भी लकड़ियां थी तो वो एक जगह नदी में, वो पुष्पराज ने उसे जितने भी लकड़ियां आई थी वो बहकर उसे कलेक्ट कर लिया था। यह उस समय का सीन है जब श्रीवल्ली की शादी पुष्पराज से होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश उनकी यह शादी नहीं हो पाती। एंड उसके बाद पुष्पराज अपनी माँ को लेकर जिस हॉस्पिटल में जाता है ना, वह जो सीन है यह उसी वक्त का सीन है।
एंड जो लास्ट में आप यह सीन देख रहे हैं, यह सामी सामी सॉन्ग का सीन है। तेलुगु हिंदी समेत तीन भाषाओं में यह जो सॉन्ग है वह रिलीज हुई थी। यह काफी ज्यादा पॉपुलर है। वैसे तो पुष्पा के सभी सॉन्ग एक से बढ़कर एक है एंड यह सॉन्ग भी काफी ज्यादा पॉपुलर है एंड इस सॉन्ग के पीछे भी काफी ज्यादा मेहनत है। एंड यहाँ आप देख रहे हैं कि सुकुमार सर खुद इस सॉन्ग का जो सिग्नेचर स्टेप है वह उन्हें बता रहे हैं। अगर आपने इस मास्टरपीस मूवी को मिस कर दिया है तो आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार में देखने के लिए कुछ दिन वेट करना पड़ेगा एंड अमेजन प्राइम का अगर आपके पास मेंबरशिप है तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहां से भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल सर्च करना होगा पुष्पा मूवी बायोविकी हिंदी एंड आप जैसे ही सर्च करोगे आप यहाँ से देख सकते हो। सो गाइज, मैं आपके लिए अगर कोई भी हेल्प आ सकूं, अगर आपको इस मूवी के रिगार्डिंग कोई भी चीज़ चाहिए, जानकारी चाहिए एंड अदर बिहाइंड द सीन एंड मूवीज़, अगर आप फ्यूचर में रिव्यूज़ वगैरह देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड अगर आप साउथ फिल्म इंडस्ट्री के फ़ैन हैं तो बेशक कमेंट जरूर करना एंड लाइक करके इस वीडियो को जाना। थैंक यू सो मच। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।